बेगूसराय जिले के मंझौल ओपी क्षेत्र के एमएस कॉलेज के निकट SH-55 पर चौकीदार दफादार सिंह के जिला अध्यक्ष भीम कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं काबिल चौकीदार के मौत से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जिलाध्यक्ष की मौत की खबर सुनते ही जिले के चौकीदार और दफादारों में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे घटना की जानकारी लोगों को मिलती गई, वैसे वैसे चौकीदार और दफादार सदर अस्पताल पहुंचते गए और सदर अस्पताल परिसर में खचाखच भीड़ जमा हो गई। साथ ही चौकीदार दफादार संघ के प्रदेश सचिव और उपाध्यक्ष भी सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक चौकीदार के परिजनों को ढांढस बढ़ाया। मृतक भीम कुमार चिरिया वारपुर थाना क्षेत्र के 3 गच्छा टोला वार्ड संख्या 2 सकरवासा के रहने वाले हैं। घटनास्थल पर शव की स्थिति देख मृतक के परिजन और चौकीदार दफादार संघ के प्रदेश अधिकारियों ने चौकीदार की मौत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने उनकी हत्या शराब माफियाओं के द्वारा किए जाने का आरोप लगाते हुए उसे सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास बताया है। प्रदेश अधिकारी ने SP से इस घटना की अपने स्तर से जाँच करने की भी मांग की है, ताकि चौकीदार को न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य के कई जिलों में शराब माफियाओं के द्वारा चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है और सभी को सड़क दुर्घटना का ही रूप दिया गया है। थाना पर कोई फोन किया उसको, अब वहाँ से चला मंझौल पेट्रोल पंप के नज़दीक। हम लोग गए, हमको फोन गया, पत्रकार है उसकी, आपका भाई के घर गया। मैं वहाँ जो पोजिशन देख रहे हैं, लगता है किसी ने मेरे भाई को मर्डर कर दिया। किसी से कोई विवाद था क्या? कोई विवाद था क्या? नहीं, अब थाना में है तो कितना विवाद होगा नहीं होगा, इसका क्या लेखा जोखा है? थाना में रहते थे, हो सकता है किसी से ऐसा होगा। ये पता नहीं चल पाया कौन कॉल किया था? हाँ, वो पत्रकार जो देखे ना एक्सीडेंट हो गया, वो फोन किए थे। अभी तो जय हूँ सुने, उस समय से तो हम इसी में इन्वॉल्व हैं। और बात को तभी रात से गए हैं, रात से लाश के साथ ही यहाँ सदर अस्पताल में, यहाँ से जाएंगे और कुछ पता करेंगे। क्या करते थे ये चौकीदार? किस थाना में? थाना चिड़िया भैया थाना। कब की घटना है ये? ये रात करीब 8-9 के बीच का है। क्या नाम है इनका? भीम कुमार पासवान। किनका लड़का है? सिकंदर पासवान। कितना उम्र होगा लगभग? लगभग 45 साल। कहाँ घर है? सकरवासा। वहीं मंझौल के थानाध्यक्ष ने मौत के बाद गहरा शोक जताया और कहा कि बहुत ही काबिल चौकीदार थे जिनकी सड़क हादसा में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना के हमारे बहुत काबिल चौकीदार थे भीम पासवान, उनका देहांत हो गया सड़क दुर्घटना में कल रात में 9 बजे के आसपास। किसी का पोस्टमार्टम हुआ है, हम लोग देखे हैं, समझ में आए क्या बात हुई। कुछ लोग इस मौत को संदिग्ध मान रहे हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। कहाँ से कहाँ से जा रहे थे? तो जो ये लोग बता रहे कि थाना से काम करके ये लोग घर पे गए थे, फिर किसी का कॉल आया तो मिलने ही जा रहे थे, बाकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई। सुनते हैं थाना में मुंशी का भी काम करते थे? थाना में हेल्प के रूप में तो करते ही थे, कभी कभार बुलाया जाता था जब, अभी फिलहाल मुंशी नहीं था, लेकिन इंसान अच्छे थे। लेकिन लगता है कि एकदम हाथ ये गिर गए हैं या मतलब किसी ने ठोकर मार दी? क्योंकि मैं घटनास्थल का मुआयना नहीं किया, नक्शा बता किए हुए उनसे पूछा जा सकता है। और लोगों में चर्चा इस बात को लेकर बड़ा जोर शोर से हो रही है कि कपड़े सुरक्षित हैं और बाइक भी सुरक्षित है और मोबाइल भी सुरक्षित है। घटनास्थल का जो मुआयना किए होंगे या सब का, उनसे जानकारी आपको अच्छी से मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो अभी खबर मिला तो अभी मैं यहाँ पे देखने आया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।